नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। जिंदगी की बात, क्योंकि यह है हेल्थ की बात। एक इम्यूनिटी जो आप लोगों ने सुनी कोरोना काल में, दवाइयां इम्यूनिटी के लिए, गिलोय, अश्वगंधा और भी बहुत सारी चीज़ें, ये वो इम्यूनिटी है जो आप एक्वायर करते हैं। एक इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड होती है उन लोगों के लिए जो प्रकृति पुत्र होते हैं, जी हाँ, गॉड मेड होती है। उनको कोरोना ने ज़्यादा सताया नहीं, बिल्कुल नहीं सताया। जी हाँ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो एकदम निर्धन वर्ग है, जो सारे मौसम सीधे सीधे आमना सामना करता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम की मार उन पर पड़ती है, वो है प्रकृति पुत्र। प्रकृति के बीच में उनका जीवन होता है, प्रकृति की गोद में उनको प्रकृति की इम्यूनिटी मिल जाती है। माँ की गोद में रहने पर बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है। तीसरे हैं वो लोग जो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, जी हाँ, इम्यूनिटी की उनको ज़रूरत है। तो उच्च वर्ग की बात नहीं करते, क्योंकि उच्च वर्ग की सोच थोड़ा आधुनिक हो सकती है, इसलिए मध्यम वर्ग की बात करूँगा। मध्यम वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, जिसकी सोच में आध्यात्मिकता है। भारत की सनातनी आध्यात्मिकता काफ़ी कुछ हद तक कम से कम रक्त में है, हृदय में है, मानस में है, सोच में है कहीं ना कहीं। उसके लिए है गॉड इम्यूनिटी। गॉड इम्यूनिटी के माध्यम से आप अपने आप को सशक्त बनाइए, निरोगी रखिए, और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, आप अपनी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो आपकी, उसको गॉड इम्यूनिटी से ठीक कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, एक शब्द है जिसको सारी दुनिया राम के नाम से जानती है, बहुत महात्म्य है इसका। हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में लोगों के नाम के साथ राम शब्द लगाया जाता था, और बहुत इस्तेमाल सुबह से जय राम जी की, सुबह से शाम तक इस्तेमाल होता था राम शब्द की, शब्द का, जय राम जी की जो हम लोगों के बीच नमस्कार करने की परंपरा थी उसमें भी राम शब्द का इस्तेमाल होता था। राम एक ऐसा महान ब्रह्मास्त्र है जो शब्द विज्ञान की दृष्टि से बहुत बहुत गहन शक्ति सामर्थ्य रखता है अपने अंदर। रकार, अकार और मकार तीन रूप है इसके, अग्नि, जल और वायु, तीन इसमें शक्तिशाली तत्व है। ये एक ऐसा शब्द है जिसको कहा गया राम नाम राम से भी बड़ा। खैर, राम से बड़ा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनका नाम भी उनसे कम नहीं, ये समझ लीजिए। इसलिए हमारे यहाँ राम का महत्व ऐसा होता है कि आप ये समझ जाए कि मरते समय भी कहा जाता है राम नाम सत्य, क्योंकि वही सत्य है, वही सनातन है, वही चर है, वही चराचर है और वही अचर है, यानी कि वही है जो हमेशा रहता है। जी हाँ, इस राम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, ये कहा गया है। बहुत गहरा मर्म है इसका, समझने की कोशिश कीजिए कि ये ऐसी प्राणवायु, ऐसा ऑक्सीजन, ऐसी हवा है जो चारों ओर बिखरी पड़ी है, जिस जो हमारी सांस है, जिसकी दम पे हमारी जिंदगी चल रही है, वो राम नाम है। इसको आप लूट लीजिए। अब मैं तरीका आपको बताता हूँ किस तरह से इसके माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। सुबह से शाम तक अपने अंदर राम नाम की चरखी चलाइए, राम नाम के शब्द गूंजे उस तरह से जैसे गेंद होती ना टिप्पा खाती है, प्यारी सी आवाज़ आती, दिन भर अपने हृदय की धड़कनों की तरह राम नाम का संगीत अपने अंदर बजाइए, और चलते फिरते उठते बैठते जब भी आप खा ले वो फील कीजिए राम 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 राम, और ये भी फील कीजिए कि ये शब्द, ये एटम बम आपके अंदर शक्ति दे रहा है। आप ऊपर से नीचे तक इसको एक सुंदर ध्वनि के रूप में महसूस कीजिए, एक ध्वनि की किरण आपके पूरे शरीर में राम राम की गूंज रही है, आ रही है, जा रही है। और अगर आपके किसी अंग में कोई खराबी है, कोई चोट है, कोई परेशानी है, उस अंग विशेष पर अगर कुछ देर तक आप ध्यान दे करके राम नाम की गूंज को महसूस करेंगे, तो वो वहाँ पर आपको कुछ दिनों बाद महसूस होगा कि वो अंग, उसकी परेशानी, वो बीमारी ठीक हो रही है। आजमा के देख लीजिए, खुद आजमाइए फिर जान जाइए। बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा कहना है, सिर्फ आपका एक मार्गदर्शन करना, चलना आपको है, और चलकर के इसका पूरा लाभ उठाइए। जिंदगी में निरोगी रहिए, दिन भर राम 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 करिए, आपके अंदर की बहुत सारी बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे दूसरी तरह की जितनी बीमारियाँ हैं, आप अपने अंदर राम नाम की ध्वनि को, राम नाम के संगीत को ऊपर से नीचे तक
चलाइए, म्यूजिक को बजाइए, राम नाम का संगीत अपने शरीर के भीतर प्रवाह मान कीजिए, उसको महसूस कीजिए, फिर उसका फर्क देखिए और मस्त हो जाएगी आप, सारी दवाइयाँ आपकी छूट जाएगी। आप कहेंगे यह कैसे? जी हाँ, इसको कहते हैं गॉड इम्यूनिटी। ये साउंड साइंस है, ये महामंत्र विज्ञान है, जो बड़े 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 हथियार चलाया करते थे शब्द के माध्यम से, मंत्र पढ़ करके तीर चला देते थे तो आसमान से बारिश हो जाती, बिजली कड़क जाती थी, बड़े बड़े चमत्कार हो जाते थे। ये वही शब्द विज्ञान है, भारत का महान साउंड साइंस। इसका इस्तेमाल कीजिए। राम एक छोटा सा दो अक्षरों का, लेकिन बड़ी शक्ति है इसमें। जी हाँ, खुद आजमाइए और फिर सबको बताइए। जाते से आते हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।